तो दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि गड़ीसर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि गड़ीसर झील है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि यह स्थित है जैसलमेर जिले में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित हैं। तो वह झील है सांभर झील। ठीक है, सांभर जो झील है वह भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित झील कौन सी है। तो वह झील है सांभर झील। अगला सवाल है कि निम्न में से वह झील और जिले का कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है। तो वह है कोछोर जयपुर। यह जो युग्म है यह सही सुमिलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अगला सवाल है कि चश्मा ए नूर झरना किस झील के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चश्मा ए नूर झरना किस झील के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है अन्ना सागर झील के किनारे। कौन सा झरना है? चश्मा ए नूर झरना। अगला सवाल है कि किस झील को राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाने वाली झील कौन सी है। तो आपको याद रखना है वह झील है नंद समंद झील। अगला सवाल है कि निम्न में से किस झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रश्न कि भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं मोती झील को। अगला सवाल है कि निम्न में से किस झील में सौर वेधशालाएं बनी हुई हैं। तो आपको याद रखना है सौर वेधशालाएं जो बनी हुई है वह बनी हुई है फतेह सागर झील में। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस झील में बनी हुई है, फतेह सागर झील में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस झील से श्यामपुरा व बट्टा दो नहरें निकाली गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि श्यामपुरा व बट्टा है जो दो नहरें निकाली गई है किस झील से निकाली गई हैं। तो आपको याद रखना है ये दो नहरें जो निकाली गई है यह निकाली गई है जयसमंद झील से। अगला सवाल है कि सांभर झील का निर्माता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सांभर झील का जो निर्माता था वह था वासुदेव। अगला सवाल है कि वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अन्ना जी ने सन 1135 में करवाया था। तो इसका जो निर्माण करवाया था यह करवाया था किसने, अन्ना जी ने किसका निर्माण करवाया था। तो इन्होंने करवाया था अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था और 1135 ईस्वी में करवाया था, जो पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे अन्ना जी जिन्होंने करवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि खारे पानी की झील है जो किस महासागर का अवशेष मानी जाती है। तो यह मानी जाती है टैथिस सागर का अवशेष। अगला सवाल है कि मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है। तो नमक जो तैयार किया जाता है वह किया जाता है डीडवाना, पचपदरा, फलोदी और लूनी में। अगला सवाल है कि बाई तालाब झील कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है यह स्थित है बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में स्थित है कौन सी झील, बाई तालाब झील। अगला सवाल है कि आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि आनंद सागर झील है जो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में स्थित है कौन सी झील, आनंद सागर झील। अगला सवाल है कि तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है जोधपुर जिले में। अगला सवाल है कि जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील है। तो वह झील कौन सी है जो जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित है। तो वह झील है सुजान गंगा झील। ठीक है, जो किसके द्वारा निर्मित है, सूरजमल द्वारा निर्मित है। अगला सवाल है कि चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है। तो चोपड़ा जो झील है वह स्थित है पाली जिले में। अगला सवाल है कि वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। तो आपको याद रखना है बांडी नदी का जो जल एकत्रित होता है वह होता है फाय सागर झील में।
अगला सवाल है कि जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि जयसमंद झील है जो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में कौन सी झील स्थित है, जयसमंद झील स्थित है। अगला सवाल है कि फतेह सागर झील का निर्माण करवाया गया तो किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था जयसिंह द्वारा, ठीक है। जयसिंह ने फतेह सागर झील का निर्माण है जो किया था। अगला सवाल है कि सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है तो वह नदी कौन सी है जो सांभर झील में नहीं गिरती है, तो वह नदी है कांतली नदी, ठीक है। कांतली नदी जो है वह सांभर झील में नहीं गिरती है। अगला सवाल है कि उदय सागर झील स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि उदय सागर झील है जो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है उदय सागर जो झील है वह स्थित है उदयपुर में। अगला सवाल है कि बूझ झील किस जिले में है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि बूझ झील है जो किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है बूझ झील है जो स्थित है जैसलमेर जिले में। अगला सवाल है कि कावोद झील कौन से जिले में है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कावोद झील है जो कौन से जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है कावोद जो झील है वह स्थित है जैसलमेर जिले में। अगला सवाल है कि वह झील जिस पर प्रसिद्ध टॉड रॉक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको रट लेना है प्रश्न को कि वह झील कौन सी है जिस पर प्रसिद्ध टॉड रॉक है जो स्थित है, तो आपको याद रखना है वह झील है नक्की झील, जिस पर क्या स्थित है प्रसिद्ध टॉड रॉक है जो स्थित है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।